सुगमा के पति को मरे हुए 15 साल बीत चुके थे। जब उसका बेटा सरजू 2 साल का था तब सुगमा के पति की मृत्यु हो गई थी। सुगमा ने अकेले ही अपने बेटे को बड़ी ही मेहनत मुशक्कत से पाला। आज उसके बेटे की उम्र लगभग 17 साल की थी। सुगमा गांव में ही मेहनत मजदूरी करती थी। उसके पास अपने कोई खेत ना थे। बेटा भी अब बड़ा हो गया था। वो भी अपनी माँ का हाथ बटाना चाहता था और वो ऐसा करता भी था। गांव में जहां भी उसे कोई छोटा मोटा काम मिलता वो कर लेता। दोनों प्राणियों की 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। पर जवान होते बेटे के सिर पर एक धुन सवार थी और वो थी इस गरीबी भरी जिंदगी से बाहर आने की। वो चाहता था कि इस गांव से निकलकर कहीं शहर जाकर काम करे। उसने कई बार अपनी माँ से इस बारे में बात की कि वो शहर जाकर कमाएगा तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु सुगमा थी कि उसे अपने से अलग करने के विचार से ही वो सहम जाती थी। जब भी सरजू शहर जाकर काम करने की बात करता तो सुगमा किसी न किसी बहाने से उसे टाल देती थी। बेचारा सरजू मन मार कर रह जाता था। उसके मन में इच्छा थी कि वह शहर जाकर कमाएगा तो 4 पैसे ज़्यादा बचेंगे, घर को पक्का करवाएगा, एक गाय खरीदेगा। परंतु माँ के आगे उसकी एक ना चलती। समय अपनी गति से चल रहा था। इस बार गांव में बारिश नहीं हुई। स्थिति ये हो गई कि सारे गांव में फसल का नामो निशान ना था। माँ बेटे के पास खेत तो ना थे परंतु दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जो काम मिलता था वो भी बंद हो गया। बस यूं समझो कि उनके भूखों मरने की नौबत आ गई थी। घर में अन्न का एक दाना ना बचा, ऐसे गुजारा कैसे होता। सरजू ने एक बार फिर से अपनी माँ से कहा, माँ मुझे परदेश जाने दे, वहाँ पर कमाऊँगा तो हमें भूखा मरना नहीं पड़ेगा। 4 पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचा लूँगा। मेरी बात मान, और अभी भी वक्त है, मुझे शहर जाकर काम करने दे। परंतु हमेशा की तरह सुगमा ने कहा, बेटा मेरा एक तू ही तो सहारा है, अगर तू भी चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी। तू चिंता मत कर, ये तो मौसम की मार है, कुछ ही दिनों में बारिश होगी तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं पैसों का कुछ इंतजाम करती हूँ। पड़ोस के गांव में साहूकार लाला है, उससे कुछ रुपए उधार लेकर आती हूँ। जब बुरा वक्त बीत जाएगा तो उसे लौटा देंगे। ये कहकर सुगमा पड़ोस के गांव में रहने वाले साहूकार के पास गई। वो साहूकार बड़ा ही अड़ियल और मक्कार किस्म का आदमी था। जब सुगमा ने साहूकार से कुछ रुपए कर्ज के रूप में मांगे तो साहूकार ने कहा कि कर्ज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कोई सोने का जेवर या जमीन का कोई टुकड़ा। परंतु गरीब सुगमा के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। साहूकार ने उसे रुपए देने से मना कर दिया। सुगमा उसके आगे बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, उसके पैर तक पकड़ लिए। परंतु साहूकार ने कहा कि बिना किसी गिरवी के वो एक कौड़ी भी किसी को नहीं देता। सुगमा जानती थी कि साहूकार के कोई संतान नहीं है। वो साहूकार को बेटा पैदा होने की दुआएं देने लगी। परंतु साहूकार ने नौकरों से कहकर सुगमा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी सुगमा दिन ढलते ढलते अपने घर पहुंच गई। उसने सारी बात अपने बेटे को बताई। सरजू कुछ ना बोला, वो खामोश ही रहा। उस रात सुगमा के घर पर चूल्हा तक ना जला। दोनों माँ बेटे भूखे पेट ही सो गए। सुबह तड़के जब सुगमा उठी तो उसने देखा कि सरजू घर पर नहीं था। उसने आस पड़ोस में पता किया परंतु कहीं भी सरजू का पता ना चला। असल में सरजू इस गरीबी और भुखमरी से तंग आकर घर छोड़कर शहर की तरफ भाग गया था। वो जानता था कि माँ उसे कभी शहर नहीं जाने देगी, इसीलिए वो रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर चला गया। सारे गांव में ढूंढने के बाद भी जब सुगमा को अपने बेटे का पता ना चला तो उसे भी अंदेशा हो गया कि गरीबी और भुखमरी से तंग आकर उसका बेटा शहर भाग गया है, परंतु किधर गया है ये नहीं पता। सुगमा पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वो दिन रात अपने बेटे को याद करती और साथ ही साथ उस साहूकार को भी कोसती कि अगर उस दिन साहूकार ने कुछ पैसे उधार दे दिए होते तो सरजू घर छोड़कर ना भागता। समय बीता, महीने 2 महीने करते करते 4 साल बीत गए।
परंतु ना तो सरजू की कोई खबर आई और ना ही सरजू आया। गांव वाले तो सरजू को मरा हुआ मान चुके थे। जिंदा होता तो अपनी माँ की खोज खबर लेने जरूर आता। कौन जाने अब वो इस दुनिया में है भी या नहीं। सुगमा पर भी इन बातों का असर होने लगा। वो भी सोचती, सच ही तो है, जो कभी मुझसे 4 दिन तक दूर नहीं रहा वो 4 साल से वापिस नहीं लौटा। इसी बीच खबर आई कि पड़ोस के गांव के साहूकार के घर पर महाभोज रखा गया है। आसपास के 20 गांव को न्योता भेजा गया। शादी के कई सालों बाद निसंतान साहूकार के घर बेटा पैदा हुआ था। ऐसा महाभोज होगा जो आज तक किसी ने देखा ना होगा और ना ही सुना होगा। 2 दिन बाद पूरा गांव, या यूं कहें कि आसपास के 20 गांव के प्राणी साहूकार के महाभोज पर पहुंच गए। सुगमा भी इस महाभोज में आई थी। ये साहूकार वही था जिसने 4 साल पहले सुगमा को कर्ज देने से मना कर दिया था और साहूकार ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। तब से सुगमा यही मानती थी कि इसी के कारण मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, इसी ने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। साहूकार के घर पर महाभोज शुरू कर दिया गया। तरह तरह के व्यंजन लोगों को परोसे गए। भोज पूरा होने पर सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए, पर एक औरत अभी तक घर के द्वार पर बैठी हुई थी। ये सुगमा थी। सब लोग जा चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा था, परंतु सुगमा अभी तक यहीं बैठी थी। अचानक साहूकार वहां पर आया। ए बूढ़ी, तू यहां पर क्या कर रही है? तुझे खाने को नहीं मिला क्या? मिल गया हजूर। तो जाती क्यों नहीं? कहां जाऊं सरकार, मेरा कोई घर द्वार नहीं है। आपका हुक्म हो तो यहीं पर पड़ी रहूंगी, पाव भर आटे से मेरा गुजारा हो जाएगा। नौकरी करेगी? क्यों ना करूंगी सरकार। बच्चा खिला सकती है? हाँ हजूर। अच्छी बात है, तू आज से यहीं पर रह, जा घर में देख, जो काम बताएं वही कर। सुगमा को साहूकार पहचान नहीं पाया था। पहचानेगा भी कैसे, इन 4 सालों में ना जाने कितनी ही गरीब औरतों ने उसके आगे हाथ फैलाए होंगे। असल बात ये थी कि सुगमा साहूकार से बदला लेने का मन बनाकर आई थी। उसे लगता जिस तरह साहूकार की वजह से मेरा बेटा मुझसे छिन गया, वैसे ही वो भी साहूकार से उसका पुत्र छीन लेगी। 1 महीना बीत गया। सुगमा इतना तन मन से काम करती कि सारा घर उससे खुश था। सेठानी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा था। वह दिन भर खाट पर पड़ी रहती और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती, लेकिन सुगमा उसकी घुड़कियों को भी खुशी से सह लेती थी। सुगमा को खास तौर पर बच्चे को संभालने का काम दिया गया। बच्चा सुगमा से इतना हिल मिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से ना उतरता। वह कहीं एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लेता। वह सुलाती तो सोता, वह दूध पिलाती तो पीता, वह खिलाती तो खेलता। उसे ही अपनी माता समझता था। सुगमा ही उस बच्चे का पूरा संसार थी। बाप तो दिन भर बाहर रहता और माँ आलस्य की मारी थी उसे गोद में लेकर टहल भी ना सकती थी। केवल सुगमा ही थी जो उस बच्चे के स्वभाव को जानती थी। एक बार सुगमा ने सेठानी से कहा कि लल्ला के हाथों में चांदी के कंगन पहनवा दो। मालकिन ने कहा, 10-20 रुपए से कम तो ना आवेंगे, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सुगमा ने हैरानी से पूछा, ये आप कैसी बात करती हैं मालकिन? और नहीं तो क्या, ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। जब भी पैसे आते हैं कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। बार बार मना कर चुकी हूँ कि घर में हराम की कोड़ी मत लाया करो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। बात ये थी कि सुगमा को अब बालक से स्नेह होता जा रहा था। उसके अमंगल की वह कल्पना भी ना कर सकती थी। अपने सर्वनाश की बात याद करके उसे साहूकार पर क्रोध आता और फिर घाव हरा हो जाता। इसी बीच बरसात का मौसम आ गया। ये मौसम छोटे बालकों के लिए एक बुरी बला ही है। एक दिन सुगमा अपने घर चली गई। बच्चा रोने लगा तो सेठानी ने नौकर को दिया। सुगमा जब वापिस लौटी तो बच्चे को सर्दी हो चुकी थी। आधी रात को बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी तो सुगमा का कलेजा सन्न सा रह गया। बच्चे की माँ और सुगमा दोनों ने बच्चे की देखभाल की, या यूं कहें कि सुगमा की तपस्या ने ही बालक को बचाया। लेकिन 3 दिन में वो इतना दुबला हो गया था
कि उसे देखकर सुगमा को चिंता होने लगी। माता पिता तो सो जाते, परंतु सुगमा की आंखों में नींद ना थी। वह तो खाना पीना तक भूल गई थी। बच्चे की बलाएं लेती, देवताओं से मनोती करती, बिल्कुल पागल सी हो गई थी वो। ये वही सुगमा थी जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी। अपकार की जगह पर वह उपकार कर रही थी। विष पिलाने आई थी पर सुधा पिला रही थी। सुबह का समय था। साहूकार ने सुगमा से कहा, तुमने तो देवी बनकर हमारे घर का कष्ट निवारण कर दिया है। तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से हमारा बच्चा अब स्वस्थ होने लगा है। सेठानी ने कहा, सच ही सुगमा, तुम ही इसकी असली माता हो, मैं तो राक्षसी हूँ। दोनों ही सुगमा के उपकार के तले दबे हुए थे। अब सुगमा को साहूकार और उसकी पत्नी पर दया आने लगी थी। सुगमा के सेवा भाव से कुछ ही दिनों में बच्चा फिर से तंदुरुस्त हो गया। सुगमा 2-3 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पर गई। एक रात अपने घर में बिताने के बाद अगली सुबह जब वो उठी तो देखा दरवाजे पर उसका बेटा सरजू खड़ा था। सुगमा ये देखकर बहुत ही हैरान भी थी और खुश भी। इतने समय बाद बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने बताया कि नगर में उसने काम तो बहुत से किए, परंतु गुजारे लायक ही कमाई कर पाता था। सुगमा खुश थी कि उसका बेटा वापिस लौट आया था। अगली सुबह वो अपने बेटे को लेकर साहूकार के पास गई। आज उसने साहूकार को वो सच भी बता दिया कि क्यों वो साहूकार के घर में आई थी। सच्चाई जानकर साहूकार को अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा और सुगमा के बड़प्पन को देखकर वो हैरान भी था। उसने सुगमा को वायदा किया कि वो जरूर ही उसके बेटे को काम धंधा शुरू करने में सहायता करेगा। और ऐसा हुआ भी। साहूकार का अब हृदय परिवर्तन हो चुका था। एक माँ की ममता और दया भाव ने उसके पत्थर जैसे निष्ठुर हृदय को भी मोम की तरह पिघला कर रख दिया था। सुगमा और उसका बेटा अब गांव में ही रहकर अपना जीवन बिताने लगे थे। साहूकार भी अब जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से पीछे ना हटता था। सर्दियों की वो रात थी। फूलचंद अपने घर के आंगन में बड़ी ही बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसके 3 बच्चे कंबल में पड़े थे और ठंड से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। घर के अंदर उसकी गर्भवती पत्नी थी जो प्रसव वेदना से तड़प रही थी। उसके साथ पड़ोसी रामचरण की घरवाली और सुखिया दाई थी। फूलचंद के मन में आने वाले मेहमान के प्रति कोई भी उल्लास नहीं था। सच तो ये था कि वो इस अनचाहे बोझ को लेकर बहुत ही चिंतित था। परिवार की माली हालत पहले से ही खस्ता थी। कर्ज था कि बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में चौथा बच्चा फूलचंद को किसी नई मुसीबत से कम नजर नहीं आ रहा था। लेकिन समय के आगे तो बड़ों बड़ों की नहीं चली, तो फूलचंद की क्या बिसात थी। तभी प्रतीक्षा की वो लंबी घड़ियां खत्म हुई। काफी देर बाद सुखिया दाई बाहर निकली। फूलचंद ने डरते डरते पूछा, सब ठीक तो है ना? दाई ने कहा, हाँ लड़का हुआ है, मगर। फूलचंद व्यग्र हो उठा, क्यों, क्या हुआ? अब मैं क्या कहूँ, तुम खुद ही जाकर देख लो। इसके बाद सुखिया दाई तो चली गई, लेकिन फूलचंद की उलझन और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसी क्या बात है जो सुखिया दाई ने मुझे नहीं बताई? कहीं बच्चा मरा हुआ तो नहीं है? मगर ये बात होती तो सुखिया मुझे जरूर बताती। कुछ देर बाद रामचरण की घरवाली भी यह कहकर चली गई कि कोई दिक्कत हो तो बुला लेना। अब फूलचंद को अंदर जाने में कोई रुकावट नहीं थी। वह धड़कते दिल से अंदर घुसा। उसकी पत्नी सुरना अधमरी सी हालत में चारपाई पर पड़ी थी। बगल में एक शिशु भी लेटा हुआ था। सुरना ने आंखें खोलकर देखा, मगर फूलचंद की कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। हाँ, उसकी आंखों में कोंधती हुई जिज्ञासा को सुरना ने अपने आप ही पहचान लिया। उसने शिशु के मुंह से कपड़ा हटा दिया और आंखें मूंद ली। आंखें तो फूलचंद की भी एक बार खुद ब खुद मूंद गई। सामने दृश्य ही ऐसा था। नवजात शिशु का चेहरा सामान्य शिशुओं के जैसा नहीं था। माथा अत्यंत संकरा और लगभग तिकोना था। आंखें छोटी छोटी और कनपटियों तक फैली हुई थी। कान भी असामान्य रूप से लंबे थे।
सबसे विचित्र बात तो ये थी कि शिशु का ऊपरी होंठ था ही नहीं। हाँ, नाक अत्यधिक लंबी होकर ऊपरी तालु से जा लगती थी। फूलचंद जड़ सा खड़ा था और बोला, ये कैसी माया है, हुआ ही था तो अच्छा भला होता, नहीं तो जन्म लेने की ही क्या जरूरत थी। मुझ पर हालात की मार पहले ही क्या कम थी जो ये नई मुसीबत मेरे सिर पर आ पड़ी। क्या होगा इस बच्चे का, अपना यह कुरूप लेकर इस दुनिया में यह कैसे जिएगा, क्या होगा इसका भविष्य। फूलचंद ने डरते डरते पूछा, इसकी आवाज। पता नहीं, सुरना ने कमजोर आवाज में बताया, अभी तक तो रोया भी नहीं है। फूलचंद ने सोचा, क्या यह गूंगा भी होगा। सुरना पहले ही काफी दुखी प्रतीत हो रही थी, इसीलिए फूलचंद ने उससे कोई सवाल नहीं किया, बस अपने आप को कोसता रहा और बाहर सोए हुए तीनों बच्चों को लाकर अंदर लिटा दिया और फिर खुद भी उन्हीं के साथ सिकुड़ कर लेटा रहा। मगर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान ना था। रह रह कर नवजात शिशु का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। तरह तरह की आकांक्षाएं मन में उठ रही थी। फूलचंद ने सुना था कि इस तरह के बच्चे कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं, मगर वो सोचने लगा, अगर ये बच्चा जी गया तो। इसी तरह की उलझनों में फूलचंद ने बाकी रात आंखों में ही काट दी। सुबह होते होते रामचरण की घरवाली के माध्यम से ये बात सारे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई कि फूलचंद के यहाँ विचित्र बालक का जन्म हुआ है। बस फिर क्या था, तमाशबीन औरतों के झुंड आने शुरू हो गए। उनका तांता टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह एक ऐसी मुसीबत थी जिसकी फूलचंद ने कल्पना भी नहीं की थी, मगर चुप्पी साधे रहने के सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी तमाशबीन औरतों के एक झुंड के साथ भगवान दीन की माँ राधा आई। उसने सारा वातावरण ही बदल कर रख दिया। राधा ने बच्चे को देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर जमीन पर माथा झुकाया और साथ आई औरतों को फटकार लगाई। अरे, ऐसी दीदें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो, यह तो साक्षात गणेश जी ने सुरना पर कृपा की है, तभी तो इसकी कोख से ऐसा धन्य बालक पैदा हुआ है। साथ आई औरतें तब तो राधा के क्रियाकलाप को अचरज से देख रही थी, किंतु उसकी बात सुनते सुनते ही जैसे उनके मन की आंखें भी खुल गई। सब ने शिशु को प्रणाम किया, सुरना की कोख को सराहा और हाथ में जो भी सिक्का था वहीं चारपाई के सामने अर्पित करने के बाद जमीन पर माथा टेक दिया। अब राधा बाहर फूलचंद के पास दौड़ी आई। वह थकान और चिंता के कारण बाहर चबूतरे पर ही बैठा था। राधा ने उसे झिझोड़ कर उठाया और कहा, अरे क्यों रोनी सूरत बनाए बैठा है, तुझे तो खुश होना चाहिए भैया, सुरना की कोख पर साक्षात गणेश जी ने कृपा की है, तेरे तो दिन फिर गए, और देख वह तो माया दिखाने आए हैं अपनी, वह रुकेंगे थोड़ी ही, जब तक हैं खुशी खुशी उनकी सेवा कर, हजारों वर्षों में किसी किसी को ही ऐसा अवसर मिलता है। फूलचंद चमकृत हो उठा, यह बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं काकी। अरे तुम लोग ठहरे, उम्र और अकल के कच्चे, राधा ने अपना बड़प्पन झाड़ते हुए कहा, तुम्हें ये सब बातें कहाँ से पता चलेंगी, हाँ लोग तो दर्शन को आएंगे ही, तुम किसी को मना मत करना बेटा, उन पर कोई अकेले तेरा हक ही थोड़े है, वह तो साक्षात परमात्मा है, वह सबके हैं, समझा। फूलचंद ने नादान बालक की तरह हामी भरी और लपक कर अंदर पहुंचा। दरअसल अब वह शिशु को एक नई नजर से देखना चाहता था, मगर चारपाई के पास पड़े पैसों को देखकर वह एक बार फिर चक्कर खा गया। सुरना से पूछा, ये क्या है। वही लोग चढ़ा गए हैं, सुरना ने बताया, काकी कहती थी कि ये गणेश जी हैं। और नहीं तो क्या, फूलचंद में जैसे नई जान पड़ने लगी थी। ना तो तेरी मति में यह बात आई और ना ही मेरी मति में, मगर ये तो साक्षात गणेश जी हैं, हम लोग उनकी माया क्या जाने, अपनी माया वह खुद ही जाने। फूलचंद को एकाएक शिशु की चिंता सताने लगी, यह हिलता डुलता भी नहीं है, देख सांस तो चल रही है ना। सुरना ने कपड़ा हटा कर देखा, सांसें चल रही थी। फूलचंद को अब दूसरी चिंता हुई,
भला एक आध बार दूध वूध चटाया या नहीं? सुरना ने तनिक दुखी स्वर में कहा, दूध तो मुंह में दाब भी नहीं पाता। फूलचंद झल्लाया, ओह क्या इसे भूखा मारोगी? देखो मैं रुई का फाहा बनाकर देता हूँ, तुम उसी से दूध इसके मुंह में टपका देना, गला सूखता होगा इसका। शिशु का गला सींचने का यह उपक्रम चल ही रहा था कि कुछ और लोग कथित गणेश जी के दर्शन के लिए आ पहुंचे। इस बार औरतों के अलावा मर्द भी आए थे। दूसरी खास बात यह थी कि कुछ लोगों के हाथ में फूल और फल भी थे। फूलचंद ने लपक कर प्रसन्न मन से सबका स्वागत किया, आइए आइए आप लोग भी दर्शन कीजिए। दोपहर ढलते ढलते कथित गणेश जी के जन्म की खबर आस पड़ोस के मोहल्लों तक फैल गई। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। मिठाई, फल, मेवा, फूल आदि जो भी बन पाता लिए चले आ रहे थे लोग। उसके अलावा नकदी का चढ़ावा भी कम ना था। शाम को किसी पड़ोसी ने सलाह दी, कुछ पर्चे छपवा कर बांट दिए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये खबर पहुंचे और वे भी दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। फूलचंद को ये सलाह जच गई। पता नहीं कब उसकी भी यह दिली इच्छा हो आई थी कि जितने ज्यादा लोगों को दर्शन मिले उतना ही अच्छा, और एक पड़ोसी ने खुद आगे बढ़कर पर्चे छपवा कर अगले ही दिन पूरे मोहल्ले में बंटवा दिए। रात करीब 10 बजे दर्शनार्थियों का तांता टूटा, तब फूलचंद ने दर्शन बंद करने की घोषणा की। उस रात फूलचंद के परिवार ने बहुत दिनों बाद बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया था। दूसरे दिन भी पर्चे बटे और एक स्थानीय अखबार के प्रतिनिधि आकर बच्चे की तस्वीर खींच कर ले गए। अखबार में बच्चे की तस्वीर और विचित्र बालक के जन्म की खबर छपते ही शहर में जैसे आग सी लग गई। दूर दराज के मोहल्लों से भी लोग दर्शन के लिए आने लगे। फूलचंद के घर के सामने मेला सा लग गया। पता नहीं कहां से फूल आदि लेकर एक माली आकर बैठ गया। उसके अलावा मोहल्ले के हलवाई को मक्खी तक मारने की फुर्सत ना थी। उस भीड़ को सही ढंग से दर्शन कराने के लिए फूलचंद ने अपने कमरे का दूसरा दरवाजा भी खोल दिया जो अभी तक बंद रखा जाता था। अब लोग कतार बांधकर एक दरवाजे से अंदर आते थे और दर्शन करके दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते थे। फूलचंद सुबह सुबह ही नहा धोकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर बच्चे के दर्शन के लिए आने वाले लोगों की व्यवस्था करने में जुट जाता। अब घर में ना तो पहले जैसा तनाव था और ना ही वो कुड़न थी। सभी लोग जैसे उल्लास की नहरों में तैर रहे थे। फूलचंद थोड़ी थोड़ी देर बाद सुरना के पास आकर उसके कान में शिशु को रुई की फाहें से दूध चटाने की हिदायत देता रहता। इस बहाने वह अपने आप को आश्वस्त भी कर लेता था कि शिशु अभी जीवित है। रात को कई बार वो शिशु को देखता और उसकी सांसें चलती देखकर उसको चैन आ जाता और वो सो जाता। सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। हाँ एक समस्या यह जरूर पैदा हो गई कि चढ़ावे में आई मिठाई का क्या किया जाए। उसे उपभोग के लिए ज्यादा दिन बचाए रखना संभव ना था, तो फूलचंद ने अपना उदार हृदय दिखाते हुए पूरे मोहल्ले में मिठाई का प्रसाद बंटवा दिया। फिर भी मिठाई थी कि खत्म होने का नाम ही ना लेती थी, लेकिन उस समस्या का हल भी निकाला गया। रात में मिठाई फूलचंद के यहाँ से उठाकर हलवाई के हाथों बेच दी जाती थी। फिर सुबह श्रद्धालुओं के हाथों में वही मिठाई दोबारा से फूलचंद के यहाँ चढ़ा दी जाती। छठे दिन भोर में सुहना ने फूलचंद को जगाया। वह घबराई हुई थी और बोली, देखो इसको क्या हो गया। फूलचंद ने हड़बड़ाकर शिशु को उघाड़ दिया, झुककर गौर से देखा, उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। हताश होकर सुरना की ओर देखा और बोला, खेल खत्म हो गया। सुरना की रुलाई खुद ब खुद फूट पड़ी, मगर फूलचंद ने उसे रोका, नहीं नहीं रोना धोना बंद करो, इसको ऐसे ही लेटा रहने दो, देखो किसी से भी इस बात का जिक्र ना करना, थोड़ी देर में लोग दर्शन के लिए आने लगेंगे। सुरना ने रोते रोते ही कहा, मगर ये तो क्या हुआ। फूलचंद ने कहा, यह तो वैसे भी ना रोता था और ना ही हिलता डुलता था, लोगों को क्या पता चलेगा। हाँ शाम को कह देंगे कि भगवान ने अपनी माया समेट ली।
और फिर सुरना को समझाने के बहाने फूलचंद अपने आप को समझाने लगा। कोई हमने तो भगवान से ऐसा स्वरूप मांगा नहीं था, यह तो उन्हीं की कृपा थी, शायद हमारी गरीबी दूर करने के लिए ही आए थे। आज के दिन भर लोग दर्शन कर लेंगे तो कोई बुरा नहीं हो जाएगा। सुरना अपना माथा घुटनों में टेक कर सिसियाने लगी। फूलचंद ने समझाया, देखो अब ज्यादा दुखी ना हो, ज्यादा दिन तो ये वैसे भी जीना नहीं था, और जी भी जाता तो क्या होता इसका। उठो, तैयार हो जाओ, रोज की तरह बैठ जाओ, लोग आने ही वाले हैं। सुरना बिना कुछ बोले तैयार होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद ही दर्शन करने वालों का तांता लगना शुरू हो गया और भेंट और प्रसाद के रूप में फूलों, मिठाइयों और सिक्कों के ढेर लगने लगे। शाम ढलने के बाद फूलचंद ने सभी मोहल्ले वालों को कह दिया कि प्रभु ने अपनी लीला समेट ली है और वो वापस अपने धाम को चले गए हैं। अगली सुबह को ही फूलचंद के घर के सामने लगा मेला उठ गया। सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए और इस तरह से कुछ ही दिनों का मेहमान वो छोटा सा बच्चा फूलचंद की गरीबी दूर करके इस दुनिया से चला गया। बात पुराने समय की है। एक गांव में सुलोचन नाम का एक आदमी रहता था। सुलोचन खेती किसानी करके अपना पेट पालता था। सुलोचन का एक भरा पूरा परिवार था जिसमें दो बेटे और दो बेटियां थी। वैसे तो सुलोचन की कमाई ठीक थी, परंतु परिवार बड़ा होने के कारण उसे पैसे की तंगी ही रहती थी। सुलोचन के सभी बच्चे जवान थे और उसे उनके ब्याह की चिंता रहती थी। खास तौर पर वो पहले अपनी बेटियों के हाथ पीले करना चाहता था। सुलोचन के दोनों बेटों में बड़ा बेटा था केसु और छोटा बेटा था चंद्रभान। प्यार से लोग उसे चंदू कहते थे। बड़ा बेटा बहुत ही मेहनती था और पिता के साथ खेती बाड़ी में पूरा साथ देता, बड़ों की इज्जत करता। परंतु छोटा बेटा चंदू आवारा और घुमक्कड़ युवक था। कभी आम के बागीचे की ओर निकल जाता और कभी नदी के किनारे बैठा रहता। आते जाते लोगों को परेशान करना, लड़कियों और बूढ़ों की नकल करना उसे बहुत ही भाता था। जब उसकी हरकतों से तंग होकर लोग उसे गालियां देते तो उसे गाली खाने में भी बहुत मजा आता था। इतना ही नहीं, चंदू में कई बुरी आदतें भी थी। वो छुप छुप कर नशा भी करता था। अपनी बुरी आदतों को पूरा करने के लिए उसे पैसे चाहिए होते थे तो वो अपने घर में ही चोरी करने से भी बाज नहीं आता था। जब भी चंदू को मौका मिलता वो घर से रुपए उठा लेता। नगद ना मिलने पर उसे बर्तन और कपड़े उठा लेने में भी कोई दिक्कत ना थी। सामान बेचकर वो अपनी बुरी आदतें पूरी करता। उसके पिता की गांव में अच्छी इज्जत थी तो उसने बाजार में भी कई दुकान वालों से उधार कर रखा था। हलवाई के तो पिछले 6 महीनों से पैसे चुकाने बनते थे। चंदू की इन हरकतों की वजह से पूरा परिवार उससे परेशान था। कई बार तो उसके पिता ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, परंतु चंदू इतना सीना जोर था कि वो अपने पिता का हाथ पकड़ लेता। मारपीट, धमकी, घुड़की, किसी भी चीज का उस पर कोई असर ना था। पूरे परिवार के लिए मानो वो एक मुसीबत बना हुआ था। ज्यों ही वो घर में कदम रखता सब लोग उस पर चिल्लाने लगते, मानो घर में कोई सांड घुस आया हो। इतने तिरस्कारों ने उसे बेशर्म बना दिया था। घर वाले भी जानते थे कि वो घर से रुपयों और सामान की चोरी करता है, इसीलिए वो भी अब ज्यादा सावधान रहने लगे थे। इस पूरे महीने में चंदू को एक बार भी सामान या रुपए चुराने का मौका नहीं मिला। गांव के दुकानदार, हलवाई चंदू को पैसों के लिए टोकने लगे। नशा करने के लिए भी उसके पास पैसों का प्रबंध नहीं हो पा रहा था। इधर उसके पिता को बेटियों की शादी की चिंता सता रही थी। उन्होंने गांव के साहूकार से कर्जा लेने का मन बनाया। अगले दिन वो साहूकार से रुपए उधार लेकर घर लौटे तो वो पैसे उन्होंने पोटली में बांध कर रख दिए। जब चंदू ने चोरी करने के इरादे से घर का सामान टटोलना शुरू किया तो अचानक ही वो पोटली उसके हाथ लग गई। चंदू ने जब पोटली खोली
तो उसमें रखे रुपए देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। परंतु वो नहीं जानता था कि पिता ये पैसे साहूकार से कर्ज के रूप में लेकर आए हैं। उसने सोचा ये सब रुपए लेकर वो किसी दूसरे नगर में चला जाएगा और वहां पर कोई दुकान खोल लेगा तो बड़ा ही मजा हो जाएगा। कुछ ही दिनों में ढेर सारा रुपया जमा करके जब वो घर लौटेगा तो सब घर वाले कितने खुश हो जाएंगे। इन सब आनंददायक कल्पनाओं में वो इतना मग्न हो गया कि उसने सारे पैसे चोरी करने की ठान ली। उसने पैसों से भरी पोटली उठाई और गांव से भाग गया। कुछ दिनों तक वो नए नए नगरों में घूमता रहा। धन उसके पास था ही तो उसे खाने पीने की कोई चिंता ना थी। अपनी ही मस्ती में घूमते घूमते वो एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। बहुत बड़ा नगर था ये, चारों तरफ चहल पहल, भीड़ भड़क्का। पूछने पर पता चला वो राज्य की राजधानी में पहुंच गया था। घूमते घूमते उसे एक बड़े से मैदान में कुछ लोग दिखाई दिए। उनमें से बहुत से लोग सैनिकों की वेशभूषा में थे। असल बात ये थी कि राज्य की सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। चंद्रभान लंबा चौड़ा और तगड़ा था। उसने सीधा जाकर सेनापति को सलाम ठोका। सेनापति उसकी लंबी चौड़ी कदकाठी और मजबूत शरीर को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने पूछा, क्या चाहते हो? सेना में भर्ती कर लीजिए। मरने से तो नहीं डरते? बिल्कुल नहीं। युद्ध पर भी जाना पड़ सकता है? खुशी से जाऊंगा। सेनापति ने देखा ये आदमी मनचला है पर हिम्मत का धनी है। उसे तुरंत सेना में शामिल कर लिया। उसे सैनिकों का प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह 6 महीने बीत गए। वो समय भी आ गया जब सैनिकों का असली इम्तिहान होता है। पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध की घोषणा हो गई। चंद्रभान को युद्ध भूमि के लिए रवाना होना पड़ा। आज जीवन में पहली बार उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। वो छोटा सा गांव, हलवाई की दुकान, नदी का किनारा, वो सैर सपाटा, दोस्तों का जमघट उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। कौन जाने फिर कभी उनसे भेंट होगी या नहीं। एक बार तो उसका मन इतना बेचैन हुआ कि आया वापिस अपने गांव भाग जाऊं। युद्ध को छिड़े हुए कई दिन बीत गए। एक शाम जब वो अपने शिविर में बैठा था तो उसे माँ की बहुत याद आने लगी। माँ का वो दुलार, पिता की फटकार, भाई बहनों का स्नेह, उसका कलेजा बैठता जा रहा था। परंतु जब वो युद्ध भूमि में पहुंचा तो शूरवीरों की तरह लड़ता रहा। उसके जैसा योद्धा किसी ने नहीं देखा था। पूरी सेना में उसकी वीरता के चर्चे होने लगे। युद्ध खत्म होने पर चंद्रभान वापिस लौटकर आया तो राजा ने उसे प्रसन्न होकर अपनी सेना का सूबेदार बना दिया। अब तो वो सेनापति का सबसे खास आदमी बन चुका था। एक दिन जब उसे अपने गांव की बहुत याद आई तो उसने एक संदेशवाहक को संदेश लेकर अपने गांव भेजा। जब वो संदेशवाहक वापस लौटा तो उसने चंद्रभान को बताया कि आपके पिता साहूकार का कर्ज नहीं चुका सके, इसीलिए पूरा परिवार अब दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि साहूकार ने उनके घर और खेतों पर कब्जा कर लिया है। वो सब एक किराए के मकान में रह रहे हैं। इस दुख के कारण आपकी माताजी बहुत ही बीमार रहती हैं। चंद्रभान उसी समय सेनापति के पास जाकर अपने गांव जाने की आज्ञा मांगता है। सेनापति ने चंद्रभान को गांव जाने की आज्ञा दे दी। चंद्रभान ने अपने साथ कुछ जरूरी सामान और धन लिया और गांव पहुंच गया। ढूंढते ढूंढते वो उस घर के बाहर पहुंचा जहां उसका परिवार दयनीय हालत में रह रहा था। आस पड़ोस के लोग देखने लगे कि सेना का कोई बड़ा अधिकारी सुलोचन के घर आया है। किसी ने भी उसे इस रूप में नहीं पहचाना था। चंद्रभान ने दरवाजा खटखटाया तो उसके बूढ़े पिता ने दरवाजा खोला। चंद्रभान ने महसूस किया कि इतने कम समय में ही उसके पिता इतने ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और उसकी वजह खुद चंद्रभान था, क्योंकि उसी की वजह से पूरे परिवार को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अपने सामने खड़े सैनिक अधिकारी को उसके पिता ने नहीं पहचाना। तब चंद्रभान ने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। आवाज सुनकर वो जान गए कि ये तो उनका बेटा चंदू है। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। पिता और पुत्र दोनों की आंखें छलक उठी। इसके बाद चंद्रभान अपने पूरे परिवार से मिला।
अब उसका पूरा परिवार ये देखकर हैरान भी था और खुश भी कि उनका बेटा नालायक चंदू अब एक बड़ा सेना अधिकारी बन चुका है। फिर चंद्रभान ने साहूकार का पूरा कर्ज ब्याज समेत लौटा दिया और अपने माँ बाप का मकान और उनके खेत वापिस ले लिए। अब चंद्रभान का पूरा परिवार बहुत ही खुश था और चंद्रभान वापिस अपना कर्तव्य निभाने के लिए राजा की सेना में लौट गया। पहाड़ों से घिरा हुआ एक राज्य था सोनपुर, जहां रहते थे दो भाई रामदीन और सुजन। बड़े भाई का नाम रामदीन और छोटे का नाम सुजन था। सोनपुर राज्य एक बहुत ही खुशहाल राज्य था, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। असंख्य हरे भरे पेड़, फूल फलों की भरमार थी वहाँ पर। यहाँ के लोग बड़े ही मेहनती और शांति प्रिय थे, लड़ाई झगड़े और मारपीट से कोसों दूर रहते थे। ये दोनों भाई इसी नगर में बड़े ही आनंद से जीवन बिता रहे थे। दोनों भाइयों में प्यार तो था, परंतु दोनों के स्वभाव में थोड़ा अंतर था। एक तरफ बड़ा भाई रामदीन बड़ा ही शांत और संतुष्ट स्वभाव का था, तो दूसरा भाई थोड़ा लालची और ज्यादा पाने की इच्छा रखने वाला था। दोनों भाई अपना पेट पालने के लिए जंगल से लकड़ी काटते और गांव में लकड़ी बेच देते थे। सुबह सुबह उठकर दोनों एक साथ ही काम पर निकलते, एक ही जंगल में लकड़ी काटते और फिर एक साथ ही वापिस लौटते। बड़ा भाई अपने काम से पूरी तरह से संतुष्ट था, जबकि छोटा भाई सुजन हमेशा यही चाहता कि कोई ऐसा उपाय हो जाए कि इस मेहनत वाले काम से छुटकारा मिल जाए। इसी राज्य सोनपुर के राजा थे इंद्रसेन, एक बहुत ही शांति प्रिय और दयालु राजा थे। सारी जनता उनके दयालु स्वभाव के गुणगान करती थी। लोग अक्सर कहते कि ऐसा नेक दिल और शांति प्रिय राजा मिलना बड़े ही भाग्य की बात है। इंद्रसेन का नाम देश के कोने कोने में फैलने लगा। इसी बात से पड़ोसी राज्य के राजा वीरबाहु को बहुत ही ईर्ष्या होने लगी। वीरबाहु ने बिना किसी कारण के ही इंद्रसेन के राज्य पर चढ़ाई कर दी। सोनपुर को चारों तरफ से वीरबाहु की विशाल सेना ने घेर लिया। इस बात की खबर जब इंद्रसेन को मिली तो उसने विचार किया, यदि मैं युद्ध करता हूं तो बेकार ही हजारों आदमी मारे जाएंगे, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी स्त्रियां मुझे श्राप देंगी। युद्ध तो कई मुसीबतों की जड़ है। ये सोचकर इंद्रसेन रात को ही महल से निकल गया। चलते चलते वह पहाड़ों की गुफाओं में जा बैठा। इधर वीरबाहु ने बिना किसी मारकाट के ही सोनपुर राज्य और महल पर अधिकार कर लिया, परंतु इंद्रसेन को ना पाकर वो बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने घोषणा करवा दी कि जो कोई राजा इंद्रसेन को पकड़कर लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। इधर राजा इंद्रसेन जंगल की गुफाओं में छिपे बैठे थे। इसी गुफा के नजदीक वो दोनों भाई रामदीन और सुजन लकड़ी काटने के लिए आए। जिस गुफा में राजा साहब छिपे बैठे थे उसके पास वाले वृक्ष को दोनों भाई काटने लगे। छोटा भाई सुजन बोला, धत तेरी किस्मत की, कहीं अभागा इंद्रसेन मिल जाता तो पकड़कर ले जाता। 1000 सोने के सिक्के मिलते तो 7 पुश्तों की दरिद्रता दूर हो जाती। बड़े भाई ने कहा, क्या बकता है, ऐसे दयावान और धर्मवान राजा के लिए तेरे मन में ऐसे विचार, लानत है तुझ पर, तुझे देखकर नरक भी नाक सिकोड़ेगा। छोटा भाई बोला, मिल जाता अगर वो अभागा तो मैं तो ले ही जाता, आखिर कोई ना कोई तो लेकर जाएगा ही, तो मैं ही क्यों ना इनाम मारूं, अगर हमारा राजा हमें मिल जाए तो मैं उन्हें वहां ना लेकर जाऊंगा। रुपया पैसा कितने दिन चलेगा, लेकिन हमारी बदनामी एक अमर कहानी बन जाएगी। राम राम राम, ऐसी बात सोचना भी पाप है, ना मालूम ये वीरबाहु कैसा वर्ताव करेगा उनके साथ, कहीं उन्हें मार ही ना डाले। छोटा भाई बोला, कल मरता है तो आज मर जाए, मेरे लिए उसने क्या किया, वीरबाहु उसे पाताल से भी खोज निकालेगा, तुम्हारे छोड़ देने से वो बच नहीं जाएगा। मुझी को मिल जाता फूटी तकदीर वाला, मार लेता मैं 1000 सोने के सिक्कों का इनाम, दूर हो जाती गले की फांसी। बड़े भाई ने कहा, नहीं नहीं, राम राम राम, शिव शिव शिव, भगवान उनकी रक्षा करे, वे फिर से हमारे राजा बनेंगे।
उनकी बातें गुफा में बैठे राजा इंद्रसेन सुन रहे थे। बातें सुनकर वे गुफा से बाहर आए और पेड़ के पास चले गए। उनको देखकर दोनों भाई अचकचा गए। राजा ने कहा, तुम दोनों मुझे वहां पर ले चलो। बड़ा भाई बोला, नहीं नहीं महाराज, ये तो पागल है, इसकी बातों पर ध्यान ना दीजिए। अगर मेरी जान के द्वारा किसी की भलाई हो जाए तो क्या हर्ज है, उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तुम मुझे वहां ले चलो, हम अपनी जान देकर भी आपकी जान बचाएंगे महाराज। अच्छा, तो मैं खुद ही वीर बाहु के पास चला जाता हूँ और कह दूंगा कि इन लक्कड़हारों ने मुझे गुफा में छिपा दिया था। राजा की ये बात सुनकर बड़ा भाई हंसा और बोला, ये काम आपसे ना हो सकेगा राजा साहब। जो दूसरों की भलाई करते हैं उनसे दूसरों की बुराई हो ही नहीं सकती। उनकी बातचीत सुनकर चार राहगीर वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने राजा को पहचान लिया और पकड़ लिया। वे चारों राजा को पकड़कर वीर बाहु के पास ले जाने लगे। रामदीन रोता हुआ उनके पीछे चल दिया। लकड़ी लेकर सूजन घर की तरफ निकल गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि धत तेरी तकदीर की, जाल में आकर चिड़िया उड़ गई। इधर वो चारों राहगीर राजा इंद्रसेन को पकड़कर राजा वीर बाहु के पास ले गए। पीछे पीछे दुखी रामदीन भी वहां पर पहुंच गया। उन्हें देखकर वीर बाहु ने कहा, शाबाश, तुम लोग पकड़ लाए इंद्रसेन को, बहुत खूब। तुम में से किसने पकड़ा है इसे? पहला आदमी बोला, मैंने। दूसरा बोला, मैंने। तीसरे ने कहा, मैंने महाराज। और चौथा बोला, मैंने पकड़ा है इसे। राजा ने कहा, सच सच बताओ, किसने पकड़ा है इसे? तभी राजा इंद्रसेन बोले, आप बिल्कुल सच जानना चाहते हैं? जी हाँ, मुझे इन चारों में से किसी ने नहीं पकड़ा। तो फिर किसने पकड़ा है? वो जो कोने में कुल्हाड़ी लिए लकड़हारा खड़ा है, उसने मुझे पकड़ा है। आप उसे 1000 सोने के सिक्के दे दीजिए। वीर बाहु ने रामदीन को अपने पास बुलाया और पूछा, सच सच बताओ, क्या मामला है ये? रामदीन ने शुरू से अंत तक सारा किस्सा वीर बाहु को बता दिया। वीर बाहु ने कहा, इन चारों को जूते से पीटते हुए महल के बाहर ले जाओ। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। उन चारों आदमियों को मार पीट कर महल से बाहर निकाल दिया गया और रामदीन को 1000 सोने के सिक्के देकर विदा कर दिया गया। वीर बाहु ने राजा इंद्रसेन को गले लगा लिया और कहा, जैसा सुना था आप बिल्कुल वैसे ही निकले। परोपकार करने के लिए आपने अपनी जान भी खतरे में डाल दी। मैं 7 जन्म में भी आपके चरणों की समानता नहीं कर सकता। आप अपना राज्य संभालिए और अपना खजाना संभालिए, आप ही इस राज्य के योग्य हैं। फिर राजा वीर बाहु ने इंद्रसेन को राजगद्दी पर बिठा दिया। 3 दिनों तक मेहमान नवाजी करवाने के बाद राजा वीर बाहु अपनी विशाल सेना को लेकर वापिस अपने राज्य लौट गया। राजगद्दी पर बैठकर राजा इंद्रसेन ने अपने दरबार में कहा, अपने शत्रु को मत मारो, उसमें भी जीवात्मा है, किसी भी उपाय से उसकी शत्रुता को मार डालो। बस शत्रु को मानो जीत ही लिया। सारी प्रजा खुश थी कि उनका दयालु और शांतिप्रिय राजा एक बार फिर से उनके पास वापिस लौट आया।